2023 के लिए बेस्ट फेशियल रिकॉग्निशन एप्स और सॉफ्टवेयर, डीप लर्निंग और एआई काफी उन्नत हो गए हैं और फेस रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर अब आम हो गया है। ये बायोमेट्रिक तकनीक जिसका उपयोग डिवाइस को अनलॉक करने और अपराधियों की पहचान करने के लिए किया जा सकता है, रिसर्च और बिजनेस में लगातार चर्चा की जा रही है। सेल्फी संस्कृति के लिए धन्यवाद, यह अभी भी अक्सर सबसे महत्वपूर्ण तकनीकी हिस्से में दिखाई देता है, जबकि गूगल जैसे कॉर्पोरेट कंपनी इस तकनीक को सामान्य एप्लीकेशंस में एकीकृत करने के लिए अत्यधिक कठिन परिश्रम कर रहे हैं। एंड्रॉइड स्मार्टफोन अभी भी आमतौर पर इसके साथ एक स्टैंडर्ड फीचर के रूप में नहीं आते हैं। हालांकि सुरक्षा के दृष्टिकोण से इस क्षेत्र में सुधार किया गया है। गूगल फोटो जैसे एप्लीकेशंस के साथ परिवार के सदस्यों के चेहरों की पहचान करने के लिए एक फेस स्कैनर सॉफ्टवेयर, कृत्रिम बुद्धिमत्ता की उन्नति को चेहरे की पहचान सॉफ्टवेयर के उपयोगकर्ताओं से उत्साहजनक प्रतिक्रिया मिली है। कंपनियां आमतौर पर अपनी सुरक्षा के हिस्से के रूप में फेस रिकॉग्निशन ऐप का इस्तेमाल करती हैं। इस अवसर का लाभ उठाने के लिए दुनिया भर में कई बिजनेसमैन ने इसी तरह के ऐप बनाए हैं। हालांकि अधिकांश प्रीमियम एंड्रॉइड फोन एक स्टैंडर्ड सुरक्षा फीचर के रूप में चेहरे की पहचान के साथ आते हैं, अनगिनत ऐप्स इस क्षमता को और भी आगे ले जा सकते हैं। यह वीडियो टॉप चेहरे की पहचान एप्लीकेशंस की रैंकिंग पर चर्चा करता है, जिसे किसी को अपने एंड्रॉइड ऐप में शामिल करने के बारे में सोचना चाहिए। चेहरे की पहचान सिस्टम क्या है? टेक्नोलॉजी के माध्यम से चेहरे की पहचान छवियों या वीडियो से चेहरे के लक्षणों को मैप करने के लिए मानव चेहरे के लक्षणों की पहचान कर सकती है। ये बायोमीट्रिक सुविधाओं का लाभ उठाती है। ये जानकारी की तुलना पहचाने गए और सेव गए चेहरों के डेटाबेस से करता है और मिलने की पहचान करता है। चेहरे की पहचान करने वाले ऐप का इस्तेमाल किसी की पहचान की पुष्टि करने के लिए किया जा सकता है। कुछ दशक पहले फेस रिकॉग्निशन ऐप सच होने के लिए बहुत शानदार लग रहा होगा, यह अब एक वास्तविकता है और जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ती है, ये चेहरे की पहचान के उपयोगकर्ताओं में सुधार करती रहती है। मोबाइल ऐप्स के पास अनधिकृत आगंतुकों से खुद को बचाने का विकल्प होता है। पहले मोबाइल फोन में घुस जाना सरल था, लेकिन अब जब वे चेहरा पहचान तकनीक का उपयोग करते हैं तो यह और अधिक जटिल हो जाता है। चेहरे की पहचान करने वाले ऐप्स की बढ़ती लोकप्रियता हमारे समाज पर चेहरे की पहचान करने वाली तकनीक का काफी और अनुकूल प्रभाव पड़ रहा है। फेशियल रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर और ऐप्स के लिए कई एप्लीकेशन हैं। साइबर हमले से उपयोगकर्ता डेटा की सुरक्षा के लिए वर्तमान में चेहरे की पहचान के लिए ऐप्स का उपयोग किया जा रहा है। चेहरे की पहचान का उपयोग वंशानुगत बीमारियों वाले मरीजों का पता लगाने, गलत गिरफ्तारी की संख्या को कम करने और कानून प्रवर्तन द्वारा उद्यमों में एटीएम में सुरक्षा सहित कई अन्य उद्देश्यों के लिए किया जा सकता है। टेक्नोलॉजी का उपयोग अपराध को रोकने के लिए किया जाता है और ये लोगों की निगरानी करने, पनपने की पहचान करने और कई अन्य चीजों में भी सक्षम है। चेहरे की पहचान तकनीक के साथ शहरों को कई तरह से सुरक्षित और अधिक उत्पादक बनाया जा सकता है। फेस रिकॉग्निशन ऐप्स के उपयोगकर्ता फेस रिकॉग्निशन सिर्फ सुरक्षा से ज्यादा के लिए मददगार है। ये रोगी निदान, मैलवेयर रक्षा और आपराधिक पहचान में सहायक है। किसी भी अवैध व्यवहार की स्थिति में किसी व्यक्ति की तुरंत पहचान करने के लिए विभिन्न देशों के हवाई अड्डे इस तकनीक का उपयोग करते हैं। इसी तरह बिजनेस कर्मचारियों को इस तकनीक का उपयोग प्रतिबंधित क्षेत्रों जैसे कि परिसर या अद्वितीय स्थलों पर जाने की अनुमति देता है। 2020 में बायोमेट्रिक्स बाजार का मूल्य $36.60 बिलियन था और 2027 तक इसके आश्चर्यजनक रूप से $68.60 बिलियन तक बढ़ने का अनुमान है। इस क्षेत्र के वर्तमान और भविष्य के महत्व को प्रदर्शित करते हुए बाजार 10 साल से भी कम समय में दोगुना हो जाएगा। इस तकनीक को और आगे बढ़ाने के लिए लगातार शोध किया जा रहा है। उपयोगकर्ता अनुभव के संदर्भ में चेहरे की पहचान सॉफ्टवेयर महत्वपूर्ण है क्योंकि यह उपयोगकर्ताओं को सुरक्षा की भावना देता है। आजकल अधिकांश सेल फोन में फेस रिकॉग्निशन तकनीक निर्मित होती है, जिसका उपयोग फोन और उस पर किसी भी एप्लीकेशन को जल्दी से अनलॉक करने के लिए किया जाता है। निष्कर्ष, बायोमेट्रिक्स लगातार विकसित हो रहा है और अब ये कंप्यूटर, लैपटॉप और मोबाइल उपकरणों का एक महत्वपूर्ण घटक है।
आकस्मिक उपयोगकर्ताओं को सटीक रूप से छोड़कर कई संस्थान लोगों की पहचान करने के लिए चेहरा पहचान सॉफ्टवेयर का उपयोग करते हैं। फेस रिग्निशन ऐप अतिरिक्त सुरक्षा और कई मजेदार सुविधाएं प्रदान करते हैं जो गोपनीयता बढ़ा सकते हैं।